नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। मैं हूँ गौरी वर्मा। आइए नज़र डालते हैं अगले कुछ पलों में सहारनपुर की हर खास खबर पर। गर्मी के मौसम में मुसाफिरों को राहत पहुंचाने के लिए लगाया जल शिविर। सामाजिक संस्था पंजाबी महासंगठन ने रोडवेज बस स्टैंड पर की शुरुआत। पूर्व विधायक राजीव उम्बर और संस्था के अध्यक्ष योगेश दुआ ने किया उद्घाटन। 50 दिन तक चलेगा शिविर। 14 साल से संस्था प्रति वर्ष करती है आयोजन। पंजाबी महासंगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति आज 14वें वर्ष में ये निःशुल्क जल शिविर का उद्घाटन यहाँ पर कराया गया है, जिसके अंदर पंजाबी महासंगठन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि प्रति वर्ष वो सेवा भाव के इतने बड़े कार्य को करते हैं और अब से प्रारंभ होकर गर्मियों तक जब तक गर्मी चलेंगी ये जल सेवा का निःशुल्क शिविर चलता रहेगा। इस शिविर के लिए मैं पंजाबी महासंगठन के हमारे अध्यक्ष योगेश दुआ जी को, संरक्षक हमारे प्रेमपाल कटारिया जी को, दर्शन कक्षक जी और लांबा जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगातार 14 साल जल शिविर पंजाबी महासंगठन द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है। ये सुबह 9 बजे से प्रारंभ होके शाम 6 बजे तक हमारे संगठन के सभी साथी यहाँ पर बारी बारी से जल सेवा करेंगे। मैं प्रभु को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इस सेवा के लिए हमारे संगठन के साथियों को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ई चालान की प्रक्रिया को लेकर नया कदम उठाया गया है। इसके तहत DSI तेज प्रताप के नेतृत्व में कोर्ट रोड पर ई चालान काटे गए। इस प्रक्रिया के तहत मोबाइल से चालान काटकर मैसेज के जरिए बकायदा फोटो चालान काटा जाता है, जिसका भुगतान ट्रैफिक कार्यालय पर जाकर किया जा सकता है। इसमें सभी ट्रैफिक कर्मियों के मोबाइल से ऐप डाउनलोड किया गया है, जिससे ई चालान काटे जाते हैं। बाकायदा कागज़ की चेकिंग की जाती है और यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके बाद इस ऐप के इस्तेमाल के जरिए ई चालान काट दिए जाते हैं। चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान राजीव भारद्वाज, निखिल राही और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर निकाली गई विजय रैली। कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी के सम्मान में हुआ आयोजन। ऋषिदास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सैकड़ों ग्राम प्रधानों और अन्य लोगों ने लिया रैली में हिस्सा। सैगल बीजेपी नेता, आज हम लोग दलित समाज के लोग लगभग हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की खुशी में आज ये रैली निकाली जा रही है। और प्रदीप चौधरी को अभी अभी जो सांसद जी बने उनके सम्मान में ये रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ प्रधान संगठन चल रहा है दलित समाज का पूरा, और इस रैली का हम मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ दलित समाज अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गया है। ना चंद्रशेखर चलेगा, ना मायावती चलेगी, अब चलेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। ओशो हेल्थ टेंपल के प्रशिक्षण शिविर का समापन। बच्चों और अभिभावकों ने दी विभिन्न लेवल के परीक्षा। शिविर में यूपी और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के 42 बच्चों और अभिभावकों ने लिया भाग। मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा विज्ञान और ध्यान आदि की दी जानकारी। व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गोयल ने सुनी व्यापारियों की समस्याएं। सहारनपुर आगमन पर व्यापारियों के साथ समस्याओं पर किया विचार विमर्श। छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने और उत्पीड़न के रोकने के लिए किया आश्वासन। कहा, व्यापारियों की प्रगति पर निर्भर है देश का विकास। उत्पीड़न के शिकार ने लगाई इंसाफ की गुहार। पूरा मामला सहारनपुर के थाना गागालेड़ी क्षेत्र का है। यहाँ के ग्राम कोल के निवासी मोहन लाल ने SSP कार्यालय पहुंचकर बताया कि वो अपनी मांग को लेकर लगातार सरसावा थाने के चक्कर काट रहा है। बताया जा रहा है कि पिछली 22 अप्रैल को वो अपने साथी के साथ पंजाब जा रहा था। इसी बीच सरसावा थाने के निकट शाजापुर चौकी के पास दूसरे कार सवारों ने उसकी कार को ठोक दिया, जिसके बाद कार सवारों ने उसके और ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसके बाद बमुश्किल उसने इस पूरे मामले को शांत किया। इस बीच वह काफी घायल भी हो गया और साथ ही साथ उसका हाथ भी टूट गया। लेकिन लगातार गुहार लगाने के बावजूद सरसावा पुलिस ने ना तो अब तक कोई कार्रवाई की है और ना ही उसे इस बाबत आश्वस्त किया है, बल्कि उसे उल्टा जब भी वह थाने जाता है तो उसे वहां से भगाया जा रहा है। इस पूरे मामले से जुड़े कागजात और अन्य तथ्य पेश करने के साथ ही पीड़ित ने SSP से जल्द इंसाफ की गुहार लगाई है। पिछले महीने की 22 तारीख को किसी कार्य से पंजाब जा रहा था और जिस गाड़ी में बैठ के जा रहा था उस गाड़ी सामने की जिस गाड़ी में मैं जा रहा था बैठ कर, उस गाड़ी को अगले वाली गाड़ी ने शायद मार दी। उस गाड़ी का चालक उस गाड़ी के पास जाता है
से बात करता है, उनमें कुछ आपस में कहा सुनी होती है, लड़ाई बजती है उनमें आपस में, मैं उनका बीच बचाव करता हूँ। उस दौरान वो मुझ पर हमला करते हैं रोड से। मैंने इसकी तहरीर थाना सरसावे में दी है, डेढ़ महीने से कई बार मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ जो जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको पकड़ा जाए। ननोता पुलिस ने अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। क्षेत्र के तीन लोगों को अवैध कच्ची और हरियाणा मार्ग का देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा। एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में पूरे जिले में चलाई जा रही विशेष मुहिम। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार इलाके में दुकान पर काम करने वाले एक व्यक्ति का शव मिला है। पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मकान मालिक मयंक मित्तल ने बताया कि राजकुमार नामक उक्त व्यक्ति और उसके पिता उसके पुराने मकान में करीब 20-22 वर्ष से रह रहे थे। अचानक ये पता चला कि शनिवार को उसका मकान नहीं खुल रहा है। इसके बाद जब पड़ोसी से ये सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इस बाबत बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सुबह सूचना मिली जो मारल यहाँ पे दुकान पे काम करता है उसके पड़ोस के माध्यम से कि वो पंखे पे लटका पड़ा, तो जैसे ये सूचना हमें मिली हम वहाँ पे गए देखने के लिए। देखा हमने, तुरंत हमने पुलिस को फ़ोन करा और अब जा फिलहाल उसको पुलिस ने अपने अंडर में लेके उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सिटी वेब इसी तरह लाता रहेगा आपके लिए खास खबरें। बने रहिए अपने प्रिय चैनल के साथ।